गाइस यहाँ पे पुलिस ने हमको रोक लिया है क्योंकि तो गाइस अभी काफी रात हो चुका है और जंगल के बीच में अभी हम लोग है। सो गाइस फाइनली वी आर इन भूटान। यहाँ का जो नजारा है ना गाइस, एक बार देखो कितना ऑसम है। तो गाइस यहाँ पे मेरा शॉपिंग हो चुका है कंप्लीट और ये भी आर्मी बन चुका है और मैं भी आर्मी बन चुका हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार ब्लॉग। और मैंने धमाकेदार ब्लॉग इसलिए बोला क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया एंड भूटान बॉर्डर जो कि है शोरलपारा, और वहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है वहाँ का, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। धुबरी से शोरलपारा का जो डिस्टेंस है ना गाइस, वह है लगभग 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर से वापस भी आना पड़ेगा। और मेरा फ्यूल जो है अभी थोड़ा कम है, तो पानबारी में जाके मैं वहाँ से फ्यूल अप कर लूँगा। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया पानबारी पेट्रोल पंप, और मैं जब घर से निकला था ना तब से मेरा जो फ्यूल इंडिकेटर है वो ब्लिंक कर रहा था, तो थैंक गॉड कि यहाँ तक पहुंच गया। अभी हम फटाफट यहाँ से रिफिलिंग करेंगे और उसके बाद मेरा जो पिलियन राइडर है ना उसको भी एक टी शर्ट लेना है कैमोफ्लेज, तो यहाँ पे बेस BSF कैंप है वहीं से हम लोग लेंगे और उसके बाद आगे का जर्नी जो भी है वो कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मेरा शॉपिंग हो चुका है कम्प्लीट और ये भी आर्मी बन चुका है और मैं भी आर्मी बन चुका हूँ, लेकिन वो दो सिविलियन है। तो गाइस अभी हम फुल पावर मोड में आ चुके हैं और अभी हम डायरेक्टली जाएंगे कोकराझार टाउन में। और हमारा जो और दो राइडर आया है ना, उन लोगों का थोड़ा काम है, मतलब बैडमिंटन का जो रैकेट है वो ठीक कराना है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो गाइस अभी हम ऑफिशियली कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही ऑसम। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कोकराझार टाउन का फ्लाईओवर में, और हमको जहाँ पे जाना है बैडमिंटन के दुकान में वो यही कहीं पे है। ये फ्लाईओवर को क्रॉस करके राइट साइड में दिखा रहा है, तो जाके ढूंढते कि कहाँ पे है। 1 minute 37 seconds later गाइस यहाँ पे पुलिस ने हमको रोक लिया है क्योंकि दूसरा डिस्ट्रिक्ट का नंबर देखते ही हमको पकड़ लिया, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, पेपर सब ओके है। फोन है वहाँ पे, इसको हम छोड़ के जाने वाले थे यार, यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो दोबारा नहीं मिलेगा। सो गाइस दिस इज आवर फर्स्ट ब्रेक और यहाँ पे हमारा अभी क्या चल रहा है, लंच डिनर तो नहीं हो सकता क्योंकि दिन का टाइम है, तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों एक साथ हो रहा है। वहाँ पे जाके हल्का फुल्का खाना खाएंगे। कैसा लगा पराठा? बहुत ही जबरदस्त। और यहाँ पे हमने ले लिया और सारा सामान और यहाँ पे कुछ खाने का सामान है, यहाँ पे एक बार तो खा लिया, वहाँ पे जाके फिर से खाएंगे। ये है एंट्री गेट ऑफ शोरलपारा और यहाँ से मेन जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे जाने के लिए मोर देन 30 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू मैप ना मोर देन 2 आवर लगने वाला है क्योंकि ये 30 किलोमीटर पूरा का पूरा ऑफ रोड है। इस रोड देख सकते हो, बहुत ही ऑसम रोड है, क्या बोलूँ। यहाँ पे मुझे टेंशन हो रहा है अभी कि पंचर ना हो जाए और शॉकर भी टूट सकता है, यहाँ पे इतना खराब रोड है। अभी और एक सीन बन चुका है हमारे साथ, देख सकते हो ये जो फुटेज है मैं फोन से ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो GoPro है ना वो काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। अभी मैं चार्ज भी चेक किया, उसका चार्ज भी है लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो 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 मुझे मारो, मतलब क्या रोड है यहाँ पे, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं स्कूटी में बैठा हूँ या ब्रेक डांस में। ऐसा फील हो रहा है ना कि हाँ मैं ब्रेक डांस में ही बैठा हूँ। साहब आगे का सीन तो देख लिया, पीछे भी देख लीजिए, बाइक का शॉकर तो देखो कितना हिल रहा है, उससे आपको पता चल रहा है कि कितना अप डाउन है ये रोड, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक रोड है, बहुत ही ज़्यादा भयानक। तो गाइस मेरा एक क्लियर ओपिनियन है, अगर आप शोरलपारा आना चाहते हो ना तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मत आओ। तो गाइस देख सकते हो मेरा रूप, मतलब अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, और यहाँ का जो नज़ारा है ना गाइस एक बार देखो कितना ऑसम है, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोलूँ, नेचर इज ऑसम, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और क्या बताऊँ गाइस, 2 आवर्स हो गया लेकिन अभी तक हम लोग 50 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाया, और 10 किलोमीटर है यहाँ से शोरलपारा। पहुँचते पहुँचते देखिए रात होने वाला है, तो रिटर्न कब आएंगे, अभी टेंशन हो रहा है। लेकिन बात कुछ भी हो ना, यहाँ पे फोटो खींच के ही जाएंगे, वो लोग फोटो खींच रहे हैं, देख सकते हो ना, क्या बोलूँ, ऑसम मैन ऑसम। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं शोरलपारा, पीछे देख सकते हो वहाँ पे लिखा है आई लव शोरलपारा, और नदी है यहाँ पे। और अभी इतना दूर इतना कष्ट करके आया ना, 3 घंटे का राइड था कोकराझार से यहाँ तक, ओनली 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था लेकिन 3 घंटा लग गया, तो सोच सकते हो कितना ही परेशान हो गए थे हम लोग। अभी तो बैक पेन भी स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे मतलब सब लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। और वो जो पहाड़ है ना गाइस, वो भूटान है,
और यहाँ पे ना कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं है और ना ही कुछ दूसरा कोई फैसिलिटी, कुछ भी नहीं है। तो उतना देर नहीं करते हैं, फटाफट पानी में उतरते हैं क्योंकि इतना दूर से आया ना गाइस, अभी क्या ही बोलूं, पानी में उतरने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे ना कैंपिंग भी है, वो लोग बोल रहा था 600 या 700 रुपीस लेगा वन नाइट एंड 100 रुपीस पर पर्सन एंट्री के लिए, तो लिया। और हम लोग ने अभी फिलहाल लोकेशन चेंज किया क्योंकि वहाँ पे मजा नहीं आ रहा था। और यहाँ का जो पानी है ना गाइस, इतना ठंडा है ना, ऐसा लग रहा है कि बर्फ है। और ये बहुत ही ज्यादा स्लीपरी है, अगर आप मतलब ऐसे ही चलते रहोगे ना तो पक्का गिर जाओगे, बहुत ही ज्यादा स्लीपरी है। और एक बार पानी दिखा देता हूँ, देखो बहुत ही ज्यादा क्लीन है, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही ज्यादा क्लीन है, मजा आ गया गाइस। और यहाँ पे बैठ के अभी थोड़ा फोटो वोटो निकाल के जाएंगे। और यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो दूर की बात, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं मिलता है। और वहाँ पे देख लो गाइस, वहाँ पे क्या लिखा है, मतलब भूटानी लैंग्वेज में शायद वहाँ पे लिखा होगा, लेकिन वो जो है ना वो बॉर्डर है एक्चुअली, वहाँ से आपको भूटान मिलेगा और यहाँ पे इंडिया है। क्या बोलते गाइस, भूटान चले क्या, सिर्फ इसको क्रॉस करना है, पानी तो ज्यादा नहीं है लेकिन इसको क्रॉस करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है क्योंकि स्लीपर ही है, कभी भी हम गिर सकते हैं। और वहाँ पे ना दो पार्ट है, इस तरफ जो है ना वहाँ पे थोड़ा अपर पार्ट है, मतलब ये पानी जा रहा इंडिया में और वो पानी जा रहा भूटान में। तो गाइस हम लोग ना यहाँ पे भूटान जाने का कोशिश कर रहे थे लेकिन इतना स्लीपरी है ना, मतलब जा ही नहीं पा रहे, वो तो वहां तक पहुंच गया लेकिन मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ। सो गाइस फाइनली वी आर इन भूटान, ऑफिशियली हम लोग अभी भूटान में, देख सकते हो इंडिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और भूटान में शांति देखो, कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ हम लोग भूटान में आए और वो लोग इंडिया से हम लोग को बुला रहे हैं, नहीं जाएंगे, वी आर इन भूटान। तो गाइस हम लोग बाइक लेके आए थे, तो यहाँ पे मतलब ऐसा सीन है, अगर हम लोग रात में जाएंगे ना तो यहाँ पे हाथी निकलता है तो अटैक कर सकता है, तो वो लोग बोला अगर तुम लोग बाइक लेके आया तो जल्दी निकल जाओ, तो अभी सनसेट भी होने वाला है इसलिए हम लोग यहाँ पे अमूल लस्सी और इसके साथ ये बन खा के यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस बाय बाय फ्रॉम सरलपरा, क्योंकि अभी निकलना पड़ेगा, सनसेट हो रहा है, चलो जल्दी बैठो, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए अभी फिर से 3 घंटा तो लग जाएंगे कोकराझार, और वहाँ से धुबरी फिर से 2 घंटा 5 घंटा, मतलब गुवाहाटी पहुँच जाते यार। तो गाइस अभी काफी रात हो चुका है और जंगल के बीच में अभी हम लोग है, थोड़ा रुके है क्योंकि रास्ता इतना खराब है ना, पेन होने लग गया पीछे। कैसा एक्सपीरियंस कैसा है भाई? बहुत खराब था, बहुत खराब, एकदम घटिया एक्सपीरियंस था ये। वही मतलब इतना टाइम अगर हम लोग ना कहीं और पे इन्वेस्ट करते ना, सच बताओ गुवाहाटी जाके वहाँ पे पूरा सिटी राउंड मार के ना वापस आ जाते अभी तक, और हम लोग अभी तक घर तो दूर की बात, कोकराझार भी नहीं पहुंचे, कोकराझार से घर पहुंचने के लिए और 2 से 2.5 आवर लग जाएंगे। गाइस अभी टाइम हुआ है कितना, 8 बजा है ना अभी, अभी 7, ओके तो अभी 7 PM हो चुका है और हम लोग कोकराझार से जा रहे थे और सामने हमको मिल गया है डोमिनोज, तो सोचा कि इसको खा के जाते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पे डोमिनोज नहीं मिलता है, ये मतलब स्नैक्स होने वाला है। इसको कहते हैं प्रोफेशनल गरीब, खाने आया पिज्जा और खाने से पहले वो क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है स्टोरी डालने के लिए। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर में और कोकराझार टाउन से निकलने के बाद ना कहीं पे भी 1 मिनट के लिए भी हम लोग ने ब्रेक नहीं लिया क्योंकि बहुत ही ज्यादा देर हो चुका था, और घर पहुंचते पहुंचते ना 9 बज चुका था ऑलरेडी रात का। तो अभी मतलब ऐसा सीन है कि पूरा का पूरा थक चुका हूँ, पूरा दिन ना गाय की तरह राइड किया, क्या बोलूं, मतलब गाय ही बोलना पड़ेगा, इतना खराब रोड। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज लाइक करके जाओ, अगर नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।